आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सिम किसके नाम से रजिस्टर है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसमें आप एक एप्लीकेशन के द्वारा एक जानकारी हासिल कर सकते हैं, और दूसरा ऑनलाइन जो है वो ट्रू कॉलर। अगर आपके पास ट्रू कॉलर है तो ट्रू कॉलर को ओपन करें, और यहाँ से आप जो भी अननोन नंबर है वो यहाँ पर जैसे ही ऑन करिएगा ट्रू कॉलर, अननोन नंबर ऑटोमेटिक आपके मोबाइल में शो कर देगा कि किसके नाम से नंबर रजिस्टर्ड है। बस आपके मोबाइल में सिर्फ इंटरनेट और लोकेशन ऑन होना चाहिए। अगर आपको सिर्फ सर्च करना हो तब सर्च में आके आपको यहाँ सिर्फ नंबर इंटर करना है। जैसे मैं आपको अपने नंबर इंटर करके दिखा देता हूँ, जैसे आप सर्च करेंगे ये नंबर आ चुका है, ये देखें जो मैंने टाइप किया है वो आपको पूरे डिटेल के साथ आ चुका है। अगर आप चाहते हैं कि एप्लीकेशन डाउनलोड ना करें, आपको क्रोम पे जाना है। क्रोम पे जाने के बाद यहाँ पर सर्च बॉक्स में आप टाइप करें www.truecaller.com, टाइप करके आप इसे ओपन कर दें। आप जैसे ही ओपन करेंगे एक सर्च बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। इसमें आपको क्या करना है, सिर्फ सिंपल आपको इसमें मोबाइल नंबर डालना है, नंबर डाल के यहाँ सिर्फ सर्च करना है। अब जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पर एक पेज और खुलेगा जिसमें लिखा हुआ है आपको सिर्फ सिंगिंग करना है, सिंगिंग विद गूगल या सिंगिंग विद माइक्रोसॉफ्ट। आपको इसमें क्या करना है, सिंगिंग विद गूगल में जाना है, इसमें क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो truecaller.com है वो गूगल से सिंगिंग हो गया। इसमें क्या करना है, देखिए जैसे आप जो नंबर आप डायल किए थे, देखिए सामने आपका आ गया, ये रहा नाम, ये रहा ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर। इस तरह से आप किसी के भी नंबर बस चुटकी बजाते हैं आपको तुरंत 2 मिनट के अंदर आपके सामने आ जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह वीडियो बनाता आऊँ।